कैसी लगी? मूवी वॉज फैबुलस एंड इट इज विल बी द बेस्ट मूवी ऑफ शंकर। एंड इस फिल्म में बहुत अच्छा बताया गया कि हम मोबाइल फ़ोन का जो मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन से पक्षी को नुकसान हो रहा है, इसलिए पक्षी लाइजेंट का होना बहुत ज़रूरी था इस फिल्म में। और बहुत अच्छी मूवी है और बहुत अच्छे ढंग से एडिटिंग की गई है। एडिटर बाय एंथोनी वॉज टू गुड। और फिल्म इतनी दमदार है, कहीं पे भी नहीं बोल करती फिल्म। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले दिन ही 200 करोड़ रुपए कमाएगी। और इतनी अच्छी मूवी है शंकर की, इसको कोई बयान नहीं कर सकता है। विजुअल इफेक्ट्स में जितना जान डाला और वो उस जो 26,000 विजुअल इफेक्ट्स टीम ने काम किया, इससे अच्छा आपको कोई मौका कभी मिल नहीं सकता। कितने स्टार आउट ऑफ 5? आउट ऑफ 5 10 स्टार। ऑसम मूवी, रजनीकांत का ऑसम रोल। और अगर ग्रे कैरेक्टर की बात करें तो अक्षय कुमार ने बहुत टाइम बाद एक नेगेटिव कैरेक्टर किया, तो किस तरह से कितना इंप्रेसिव नेगेटिव था, बट इसमें पॉजिटिव भी था ना, बर्ड्स के लिए ये सब चीज के लिए ऑसम। और वीएफएक्स की बात करें तो कितने करना चाहिए? ऑसम 5.5। थैंक यू। बहुत अच्छी, बहुत शानदार मूवी थी। रणवीर सर थे, अक्षय थे, क्या कुछ दिखा आपको उन दोनों की? मतलब एक्शन सीन्स काफी अच्छे थे। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ किस तरह से इमेजिन कैसे किया होगा इन चीज़ों को, कन्वी एग्जीक्यूट भी अच्छा किया और कन्सीव भी अच्छा किया। बहुत अच्छी मूवी है, मतलब सबको देख। ये वो बच्चा थी इसके सामने, जो इसमें जो दिखाया गया वो टू फर्स्ट पार्ट तो मैं बच्चा लग रहा था इसके सामने। बहुत अच्छा, मतलब एवेंजर से अच्छा लगा मेरे को। 5/10। Fantabulous, mind blowing, too good, amazing, really. It was just phenomenal. Rajinikanth is a phenomenal actor. और उन्हें एक बार फिर से साबित कर दिया कि आप अपनी आंखें एक सेकंड के लिए भी नहीं हटा सकते, you know. It will blow you off. It's such a nice movie. नॉट रियली ग्रे एक्चुअली, सेल फोन रेडिएशन से कैसे बर्ड्स मरते हैं उसके ऊपर यू नो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट का उन्होंने रोल प्ले किया जो बर्ड्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, हाउ बर्ड्स डाई बिकॉज ऑफ सेल फोन रेडिएशन। तो उन्होंने वो सोशल मैसेज दिया है, तो ही एक्चुअली कमिट्स सुसाइड एंड देन ही कम्स बैक विद वेंजेंस एंड रिवेंज। सो वो उन्होंने मैसेज कन्वे किया है थ्रू हिज नेगेटिव कैरेक्टर। बट दोनों को ही देख के इतना मजा आया, अक्षय कुमार एंड रजनीकांत आर जस्ट माइंड ब्लोइंग एंड फिनोमिनल। देर इज नथिंग, आई थिंक जो स्टोरी है, जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही यू नो सोशल रेलिवेंट है। सो आई थिंक वीएफएक्स इफेक्ट्स और जो इस मूवी के एक्शन सीन्स हैं और 3D इफेक्ट्स हैं, वो ऐसी मूवी आज तक मुझे लगता है बनी नहीं है, इतनी अच्छी मूवी है। 5/5। Great movie, ultimate, marvelous, super, mind-blowing. It's a huge blockbuster. I think it will be one of the biggest hits of Indian cinema. Hats off to Shankar sir for making one of the finest movies of Indian cinema. Wonderful movies. VFX was mane what mane jo bolte na ki it's at par with Hollywood, the VFX effects. If we talk about the acting, this acting you like the most, where the Rajni sir is also there. Yeah, yeah. See, it's a complete Thalaiwa movie. Rajni sir has rocked the show because Akshay Kumar ji ka jo wo nikalte hain interval ke baad. So somewhere on the line jo die hard Khiladi Kumar fans hai, they may feel a little disappointed because he enters the frame only in the second half, but he has really proved his worth as an actor. He was the main villain of the movie. So dono ka hi kaam lajawab hai. Special effects, the VFX, I think it was really awesome, mind-blowing. 3D experience was really, it gives you goosebumps. Wonderful movie, wonderful, definitely. Halaki film aur thoda acha hota agar jo Rajnikant sir jo chitti ka entry thoda aur pehle hota to aur thoda maza aata, but it's a completely entertaining movie. Lastly, how many stars would you like? 5, I would like to give 4 stars. Thank you so much, thank you so much. अच्छी लगी, बहुत अच्छी मूवी। रजनीकांत की तो एज ऑब्वियस अच्छी एक्टिंग है, आउटस्टैंडिंग ही है। अक्षय कुमार का अलग रोल देखने मिला, नेगेटिव रोल, उन्होंने बहुत ही अच्छे से लाइक परफॉर्म किया, तो अच्छा लगा। अलग पसंद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था, लाइक अच्छा चल रहा था, फ्लो चल रहा था, तो अच्छा। मोबाइल के ऊपर एक मैसेज देना चाहते हैं तो यूथ के लिए वो अच्छी बात है।
VFX का अच्छा यूज किया है, अच्छा लाइक हाँ अच्छी है, 4.5। बेस्ट मूवी थी, एक्सीलेंट।